Hey guys, how's that? Okay. Okay. नाउ अभी हमारा जो टॉपिक है वो हम स्किन केयर के रिलेटेड स्टार्ट करने वाले हैं, चलाने वाले हैं। और स्किन केयर में हमने टॉपिक चूज किया है फेस केयर। ओके, तो काफी क्वेश्चंस होते हैं मेरे क्लाइंट्स के, और आज हम सबके साथ डिस्कशन करने वाले हैं कि अब हमें नेक्स्ट किस तरीके से हमारा स्किन केयर करना है, किस तरीके से हमें हमारा फेस केयर करना है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट डू यू यूज टू वॉश योर फेस डेली? सोप, फेस वॉश और क्लींजर। आप क्या यूज करते हो अपना फेस वॉश करने के लिए? साबुन यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, या फेस वॉश का इस्तेमाल करते हो, या क्लींजर का इस्तेमाल करते हो? किन किन लोगों को पता है कि हमारा स्किन टाइप कैसा है? ओके, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। दूसरे हमारे टॉपिक्स हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लीन अप एंड फेशियल? क्लीन अप और फेशियल के बीच में डिफरेंट क्या है? लोग मुझे पूछते हैं कि मैम मैं क्लीन अप करवाऊं या फेशियल करवाऊं, तो उसके डिफरेंस भी हम जानेंगे। और क्लीन अप के बेनिफिट्स क्या है और फेशियल के बेनिफिट्स क्या है वो भी हम जानेंगे। और सेकेंड थिंग की टैनिंग, समर में लड़कों को भी बहुत टैनिंग होता है, लड़कियां तो फिर भी कवर करके निकल जाती है। तो काफी ऐसे बॉयज के भी क्वेश्चन है कि हमको टैनिंग होती है समर में, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम उसका भी आंसर देने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड। और मैं अगेन आपको अनाउंस कर दूं कि हम लोगों ने प्राइज विनर रखे हुए हैं, जिनके गुड क्वेश्चन होंगे, और उससे जेन्युइन क्वेश्चन से अगर हम लोगों को और हेल्प कर सकेंगे, हम उनको आंसर दे सकेंगे, तो हम आपका नाम अनाउंस करेंगे, आपको प्राइजेस मिलने वाला है। सो यू स्टे कनेक्टेड टिल द एंड, आपको जुड़े रहना है एंड तक, ताकि आप सारे क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से समझ पाओ, सुन पाओ और आप क्वेश्चन भी कर पाओ। ओके, देन नाउ वी आर स्टार्टिंग। माई सेल्फ फरहाना खान फ्रॉम एफ के मेकअप स्टूडियो एंड ब्यूटी सैलून। देन आज का हमारा टॉपिक है स्किन केयर के रिलेटेड, और स्किन केयर में हमने चूज किया है फेस केयर। अब चेहरा साफ करने के लिए या धोने के लिए, जैसे कि हमने पूछा, किसी ने जो आंसर किया है कि सोप यूज कर रहे हैं, किसी ने किया है कि फेस वॉश यूज कर रहे हैं, किसी ने कहा है कि क्लिंजर यूज कर रहे हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फेस का स्किन होता है वो बॉडी के स्किन से डिफरेंट होता है। हमारा फेस का स्किन थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, हमारे पोर्स मिनिमाइज हमें करना जरूरी है। ओपन पोर्स होंगे तो आपको डस्ट जाएगा, स्किन के काफी सारे इन्फेक्शन होंगे, है ना। तो अगर आप सोप यूज कर रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि वो आपके स्किन को हार्श तो नहीं कर रहा, आपका पीएच बैलेंस, यानी आप अगर सोप यूज करने के बाद आपको रूखापन तो नहीं लग रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोप यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी काफी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ 50+ मेरे ऐसे क्लाइंट है कि वो बोलते हैं कि मैम हमको फेस वॉश नहीं जमता, हमको क्लींजर नहीं जमता, हमको साबुन ही जमता है, हमको साबुन ही सही लगता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको उसके लिए टिप्स दे देती हूँ। कोई भी साबुन आप फेस पे नहीं लगाएंगे, नहीं सजेस्ट करेंगे। साबुन के अंदर अगर आपका ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप लोग लेमन के रिलेटेड जो सोप हो वो, और अच्छी ब्रांड का हर्बल कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। एंड अगर किसी की ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो ग्लिसरीन वाला सोप यूज कर सकते हैं, और अगेन हर्बल कंपनी, ठीक है। अब फेस वॉश क्या काम करता है? फेस वॉश आपके ऊपर के लेयर को क्लीन करता है। क्लींजर क्या काम करता है? क्लींजर आपके स्किन के थर्ड लेयर तक जाके आपके स्किन को पूरा डस्ट निकालता है और क्लीन करता है। नाउ अगर आपको वाकई कुछ नॉलेज मिल रहा है ना,
तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए। एंड सेकंड थिंग कि आप मुझे थम्स अप बताइए, कम से कम मुझे ये लगे कि मैं जो नॉलेज दे रही हूँ वेस्ट नहीं जा रहा है, राइट? बिकॉज अगर हमें कोई हमारे लिए टाइम निकाल रहा है, हमें कुछ बता रहा है, हमें नॉलेज दे रहा है ना, तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हम जो अप्रिशिएट करेंगे वही अप्रिशिएशन अगेन आपके पास लौट के आएगा। ओके देन हमने लाइक बात की, सोप का क्लियर हो गया, फेस वॉश मैंने आपको बता दिया। अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अगर आपका टी जोन पूरा यहाँ पे ऑयल आपको निकलता है, फील होता है, और यहाँ पे अगर ड्राइनेस है तो कॉम्बिनेशन स्किन गिना जाएगा उसे। अगर ऑल ओवर फेस आपको पसीना ज्यादा आ रहा है, ऑयल ज्यादा निकल रहा है, चिकना लग रहा है आपका फेस आपको, तो वो स्किन आपकी ऑयली स्किन गिनी जाएगी। अगर पूरे फेस पे आपको ड्राइनेस लग रही है, डिहाइड्रेट है आपका फेस, तो आपका स्किन ड्राई है, ठीक है? तो इसी तरीके से सारे स्किन टाइप हैं। अगर नॉर्मल स्किन आप कैसे पहचानोगे? थैंक यू सो मच अक्षा। नॉर्मल स्किन आप कैसे पहचानेंगे? नॉर्मल स्किन में आपको लाइक ठंडी के टाइम पे ना आपका स्किन ड्राई हो जाएगा, और जब आप समर आएगा या मॉनसून आएगा तो आपका स्किन उस हिसाब से लाइक सीजन के हिसाब से आपका स्किन चेंज हो जाता है। ओके तो ये होता है नॉर्मल स्किन। तो अब क्लींजर, अगर आप क्लींजर यूज कर रहे हो तो आपको लाइक देखो, हम ना अर्ली मॉर्निंग में तो उठते तो फेस वॉश करते ही हैं, तो अब आपको रूटीन में डालना है कि आप जब इवनिंग में, आप नाइट में सो रही हो तब भी आपको फेस वॉश करना है, ठीक है? ताकि आपका स्किन क्लीन होगा तो स्किन ऑक्सीजन अच्छे से ले पाएगा। क्लींजर स्किन के थर्ड लेयर तक जाता है और डीपली क्लींस करता है। ओके नाउ आई विश कि आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं अच्छे से। आगे हम क्लीन अप एंड फेशियल के बारे में जानेंगे। क्लीन अप और फेशियल में डिफरेंस क्या है? क्लीन अप स्किन को डीप क्लीन करता है। अब क्लीन अप की प्रोसेस क्या है? क्लीन अप की प्रोसेस है कि लाइक उसमें क्लींजिंग होता है, स्क्रबिंग होता है, स्टीम होता है, ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड्स का रिमूव, व्हाइट हेड्स रिमूव करते हैं हम लोग, और उसके बाद टॉनिंग एंड उसके बाद पिक। तो जो भी आपका स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। अगेन मैं बताऊंगी कि आपको आपकी स्किन जैसी है उसके हिसाब से आप आपके ब्यूटिशियन को पूछिए। अगर आपको ब्यूटिशियन आपके पास कोई ऐसे नहीं है जो आपको वेल सजेस्ट कर सके, तो आप मुझे पूछ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। जी मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट रहता है, तो जैसे मैं देखती हूँ मैं आंसर करती ही हूँ, मेरे सारे क्लाइंट्स को आंसर करती हूँ। जेन्युइन क्वेश्चन होंगे तो जेन्युइन आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा मेरी तरफ से। आई नेवर अंडर एस्टिमेट माई क्लाइंट्स, मेरे क्लाइंट्स मेरी फैमिली है, मैं उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं उन्हें आंसर ना करूँ। अच्छा तो क्लीन अप में आपको समझ आ गया कि डीप क्लींजिंग होता है, आपका स्किन का जो थर्ड लेयर होता है उसमें जाके सारा क्लींजिंग होता है, एंड जो व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम होता है कई लोगों का, ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम होता है, तो व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स रिमूव किए जाते हैं उसमें। आप डर्मा सेक्शन, वैक्यूम सेक्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम हमारे टूल्स यूज करते हैं एज ए ब्यूटिशियन, बट वो चीजें अगर आप घर पे करने जाओगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो वैसा हो पाएगा। दैट्स वाई यू हैव टू गो गुड ब्यूटिशियन, आपको एक अच्छे सैलून में या अच्छे ब्यूटिशियन का सजेशन लेना चाहिए, बिकॉज स्किन का केयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी लोगों को क्या होता है ना कि ओपन पोर्स हो जाते हैं, वो अपना स्किन का केयर नहीं कर पाते हैं, तो और उससे क्या होता है बैक्टीरिया जाते हैं, तो फिर लाइक पिंपल्स, एक्ने, ये सब होने लगता है, और आफ्टर डिलीवरी पिगमेंटेशन के भी केसेस आते हैं। तो उन चीजों के लिए भी मैंने लास्ट सेशन में आपको होम रेमेडीज बताई थी। अगर फिर भी किसी को कुछ क्वेश्चन है, जानना है, तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। अब फेशियल में क्या बेनिफिट है? क्लीन अप तो हो गया,
अप आपने जान लिया कि क्लीन अप में क्या क्या चीजें होती हैं। ओके नाउ फेशियल, फेशियल में डिफरेंस क्या है? तो फेशियल में जो हम मसाज करते हैं ना, फेशियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है मसाज का। तो जो मसाज है वो इतना लाइक इंटरनल आपके पार्ट्स को और एक्सटर्नल पार्ट्स को एक्टिव करता है, आपकी इंटरनल बॉडी और आउटनर बॉडी एक्सटर्नल बॉडी दोनों के फंक्शन एक्टिव करता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो आप उन प्रेशर को, अगर आप हमारे यहाँ फेशियल देखिए देखना चाहते हो तो एक बार जरूर देखिएगा, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे क्लाइंट बहुत हैप्पी हैं और हमें बहुत अच्छा ऑलवेज रिस्पॉन्स मिलता है। आज जैसे कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे जानते होंगे कि हम अभी वो दौर से गुजर रहे हैं कि अभी काफी सारे बड़े बड़े मॉल्स बंद हो चुके हैं, बड़े बड़े सैलॉन्स बंद हो चुके हैं। तो उसमें एक छोटा सा सैलॉन मेरा भी था जो अभी हमने कहीं पे चेंज किया है, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मार्केट में बहुत अच्छे से आने वाले हैं, बिकॉज हमने बिजनेस को बंद नहीं किया है, हमारा बिजनेस अभी भी चल रहा है, मेरी फैमिली अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरी कस्टमर की फैमिली, मेरी क्लाइंट्स की फैमिली, आई लव माई फैमिली बिकॉज मैं उनके साथ बहुत जेन्युइन रहती हूँ, और मेरे क्लाइंट्स सारे ही क्लाइंट्स मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। देन फेशियल में हम एडिंग करते हैं मसाज को। अब वो मसाज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताऊं। मसाज में एक तो रिलीजिंग होता है आपका टेंशन। आजकल हमारी लाइफ इतनी टेंशन वाली हो गई है कि हम सुबह से उठते हैं तो, लेकिन लाइक आजकल का जो माहौल चल रहा है, अभी तो खैर बच्चों का स्कूल बंद है 1.5-2 साल से, लेकिन जो एक जूनियर केजी में जाने वाले बच्चे को भी उतना ही टेंशन होता है। यानी आजकल यानी पैदा होते के साथ ही टेंशन टेंशन टेंशन। तो इसमें फेशियल में प्रेशर पॉइंट में इतना इफेक्ट होता है कि आप एकदम रिलीज हो जाते हो, आप टेंशन फ्री हो जाते हो, आप कुछ भी नहीं सोचो, आप रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि जब आपके जो फर्स्ट स्टेज चल रहे होते हैं ना, क्लींजर, स्क्रबिंग, टोनिंग और वो सब कुछ, उस दौरान ही आपका रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जब आपके प्रेशर पॉइंट आते हैं फेशियल में, उस टाइम पे आपको एक नींद आ जाती है, एक आपको एक हल्की सी झपकी आ जाती है, और तभी आपका सारा पैसा वसूल हो जाता है। बिकॉज हम मुझे भी बहुत रिलीज होता है कि मेरे क्लाइंट को बहुत सेटिस्फाइड हुआ उसमें। आपका एक तो रिलीजिंग टेंशन होता है कि आप टेंशन फ्री हो जाते हो, आपको मसाज अच्छे से मिलता है तो। एंड सेकंड इज के आपका जो रिंकल का प्रोसेस होता है एंटी एजिंग, तो वो भी काफी हद तक रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज माइक्रो सर्कुलेशन। व्हाट इज द माइक्रो सर्कुलेशन? माइक्रो सर्कुलेशन मतलब जो हमारे फेस का सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो हमारा एक्टिव होने लगता है। तो उसी तरीके से जैसे जैसे मसाज होता जाता है, अंदर विटामिन्स होते हैं काफी सारी, हम अंदर ऐड करते हैं दूसरी सारी चीजें जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है या फिनिश करती है, तो उसके साथ साथ आपकी स्किन क्लीन होती जाती है और आपको रिलैक्स होता जाता है, आपकी स्किन में ग्लो आने लग जाता है। और जो आपका एजिंग प्रोसेस होता है ना, वो एजिंग प्रोसेस धीरे धीरे लाइक एक सिटिंग में आपको कोई भी चीज में, एक सिटिंग में आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता, तो कंटिन्यूअसली जैसे आपके ब्यूटिशियन आपको बताते जाए, आप उसे फॉलो करते जाएंगे, तो उस हिसाब से आपका एंटी एजिंग प्रोसेस काफी हद तक कंट्रोल होने लगता है। आपका टैनिंग कंट्रोल होता है, आपके पिगमेंटेशन, आपके एक्ने, आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स, आपके एजिंग जो प्रोसेस होता है वो, आपका रिंकल का जो हो रहा है सिस्टम हो रहा है, वो सब कुछ धीरे 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 कंट्रोल होने लगता है। नाउ व्हाट इज द टैनिंग? टैनिंग क्या होता है? जो सन बर्न से होता है। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हम लोग
हमारे यहाँ इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि इतना अवेयरनेस है, बिकॉज जो सन रेजेस होते हैं उससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आई में भी अगर हम फेस आप कवर कर लोगे, लेकिन फेस कवर करने के बाद भी अगर आपका आई एरिया ओपन है तो वहाँ पे डार्क सर्कल आएंगे, पफिनेस आएगी। तो हमारे यहाँ सनबर्न बहुत होता है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर हमारा हॉट टेम्परेचर रहता है, तो टैनिंग उससे होता है। इसीलिए सबसे पहले तो अगर आप धूप में या ऐसे जा रहे हो तो आपको स्किन केयर के लिए सबसे पहले सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसे लगाना ना भूलिए। दूसरे में कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी आपको टैनिंग के रिलेटेड, तो अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, आप कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बड़े। तो नींबू और सेहत, हनी, लेमन एंड हनी दोनों को आपको मिक्स करना है। लेमन को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 3 4 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स मोर देन, और हनी दोनों को मिक्स करके आपको फेस पे लेयर बना के छोड़ देना है। और जितने भी मैं पैक बता रही हूँ वो आप 10 to 15 मिनट्स और मोर देन 20 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है ना कि घर में अपने रेमडीज यूज़ करते हैं या मुल्तानी पैक यूज़ करने लग जाते हैं या जो भी वॉट एवर, तो उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी स्किन के लिए कौन सी होम रेमेडीज चाहिए। अब अगर ड्राई स्किन वाला मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाएगा तो क्या होगा? अब जो ब्यूटिशियन है या जिनको नॉलेज वो जानते होंगे, तो ड्राई स्किन वालों को या सेंसिटिव स्किन, सेंसिटिव में अगर ऑयली स्किन है तो चलो इट्स ओके, कॉम्बिनेशन है तो भी इट्स ओके, लेकिन ड्राई स्किन वाले अगर मुल्तानी पैक लगाएंगे, क्ले मास्क लगाएंगे, तो इट्स नॉट वो वर्थ इट नहीं है, इट्स नॉट एडवाइजेबल, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आपका ऑयल कंट्रोल करना है, आपका कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप क्ले मास्क लगाइए, मुल्तानी मिट्टी लगाइए, पैक लगाइए। अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन में जैसे मैंने बताया हनी, आप हनी यूज कर सकते हो, लेमन, टैनिंग भी उससे कम हो जाएगा आपका, बढ़िया। आई एरिया को थोड़ा सा संभाल के आपको करना है, हाँ, आईज में नहीं जाना चाहिए। सेकेंड है कि मैंने लास्ट सेशन में भी बहुत अच्छा रेमेडीज बताया था, रेमेडी आपको, आई डोंट नो इसमें से कितने लोग उसमें जुड़े हुए थे। कच्चे आलू को ग्राइंड कर दीजिए, कच्चे आलू को ग्राइंड करके उसका जूस निकाल के छान लीजिए, और उसके अंदर भी आप कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हो लेमन के, कुछ ड्रॉप और कुछ आप टोमेटो भी ऐड कर सकते हो, ककुम्बर भी ऐड कर सकते हो, और उनका आप आइस पैक बना लीजिए और आप फेस पे घिसिए। और ऑयली प्लस प्लस सेंसिटिव स्किन, हाँ, ऑयली प्लस सेंसिटिव स्किन में पोटेटो वाला जो मैं बता रही हूँ ना, वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगेन रिपीट करूंगी मैं कि पोटेटो जूस, टोमेटो जूस, अगर फ्रूट भी कोई है तो आप ग्रेप्स ऐड कर सकते हो, वाटरमेलन ऐड कर सकते हो, और लेमन के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर सकते हो। इन सब को ग्राइंड करके जूस बना के आइस क्यूब बना लीजिए और आइस क्यूब घिसिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको स्किन सॉफ्ट चाहिए, ग्लोइंग चाहिए, तो उसके लिए एलोवेरा, एलोवेरा यूज कीजिए। फुल स्किन पे आप लगाइए तो उससे आपका स्किन में ग्लो भी आएगा, चमक भी आएगी, यानी शाइन हो जाएगा आपका स्किन, एंड बहुत सॉफ्टनेस आ जाएगी आपकी स्किन में। अगर ज़्यादातर किसी ड्राई स्किन वालों को प्रॉब्लम है तो आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। यस, फॉर एक्ने इज देयर एनी होम रेमेडीज? या फॉर एक्ने में हम आपको हल्दी और नींबू और कच्चा दूध, ओके, हल्दी, नींबू, कच्चा दूध, पोटेटो जूस आप ऐड कर सकते हो, तो वो भी ऐड करके आप लगा सकते हो। और अगर आपको स्किन में ग्लो भी चाहिए तो आप हनी भी ऐड कर सकते हो, ओके। तो आई विश कि आपको मैंने काफ़ी सारे टिप्स बता दिए हैं, टैनिंग रिलेटेड भी बता दिए हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरे ख्याल से।
एंड नाउ थैंक यू, वेलकम। अब टैनिंग होने के रीजंस मैं आपको कुछ बता दूं ताकि आप अवेयर रह सको। आपने रेमेडीज तो देख ली, लेकिन टैनिंग होने के रीजंस क्या हैं ये थोड़ा सा आप सुन लीजिए। बिकॉज हार्मोनल जो अप डाउन होते हैं ना, खास करके लड़कियों में होते हैं एजिंग के हिसाब से, जैसे कि फिर पीरियड्स आना एंड ऑल, तो वो भी एक रीजन है टैनिंग के लिए और पिगमेंटेशन के लिए भी, जैसे मैंने बताया था। फिर पीरियड का आपका साइक्लिंग रेगुलर नहीं होना, वो भी रीजन है। खून की कमी होना, अगर आप रेगुलरली कुछ ऐसे आयरन या वाइटामिन्स वाले फ्रूट्स नहीं खा रहे हो, खाना सही से नहीं खा रहे हो, तो भी आपका ब्लड की कमी की वजह से भी वो हो सकता है। धूप में आपको स्किन आप कवर नहीं कर रहे हो, आई को कवर नहीं कर रहे हो। आई को कैसे कवर करना है, तो सन ग्लासेस से कवर करना है। सन ग्लासेस आपको पहनना है, बिकॉज विदाउट, आप फॉरेन में देखिए वो लोग सन ग्लासेस पे कितने हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। अमेरिका में बिलियन और ट्रिलियन में बिजनेस होता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर हमारा आई इतना ऊपर रहेगा तो हमें पफिनेस आ जाएगी, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, हमारा पूरा फेस अगर आप कवर कर रहे हो लेकिन आईज कवर नहीं कर रहे हो, तो वो कवर करना बहुत जरूरी है। तो आप सनस्क्रीन तो लगाना ही है आपको, जैसे मैंने बताया, साथ में सन ग्लासेस पहनने की भी हैबिट डालिए। ओके, ब्लैक हेड्स के लिए होम रेमेडीज। ब्लैक हेड्स के लिए होम रेमेडीज में तो देखो, उसके लिए तो आपको कोई अच्छे सैलून में ही जाना पड़ेगा मैम, बिकॉज वहां पे जो प्रोसेस होता है वो आप खुद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं वो एडवाइस नहीं करूंगी कि आप घर पे कर पाओगे, बिकॉज वो जो हमारे टूल्स होते हैं ना, उसमें अगर मान लो कि अगर आपको सही से यूज करना नहीं आया तो आपको डैमेज हो सकता है। इसीलिए किसी भी अच्छे ब्यूटिशियन के पास जाके, किसी भी अच्छे ब्यूटिशियन के पास जाके आप आपका ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। और अगर आप अहमदाबाद में ही हो, आप हमारी सिटी में ही हो, तो फिर आप मुझे पीएम कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, हम बात कर सकते हैं, ठीक है। असम गुड सनस्क्रीन, तो गुड सनस्क्रीन में आप काफी सारी ब्रांड्स है जो सनस्क्रीन बनाते हैं, लैक्मे है, ओरिफ्लेम है, एम्बे है, तो ऐसे सारे काफी ब्रांड्स हैं। आई थिंक आपको मेडिकल पे भी मिल जाएगा। तो आपको सनस्क्रीन में आप कितने घंटे के लिए बाहर निकल रहे हो, कितने घंटों के लिए धूप में रहने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग भी आपको सनस्क्रीन लेना पड़ेगा। जैसे कि SPF 13 आता है, SPF 14 आता है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो आई होप कि आपके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने दे दिए हैं यहाँ पे। तो हम अब CTM का एक छोटा सा रूटीन में रिपीट करना चाहूंगी। तो CTM, व्हाट इज अ CTM? वेलकम। सो हम क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। CTM का फुल फॉर्म है क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। ओके, अगेन आई रिपीट कि जिनके भी गुड क्वेश्चंस होंगे, जिससे सबको नॉलेज मिल रहा है, आप मुझे पीएम कीजिए या कमेंट में कीजिए, तो उन विनर्स को हम डेफिनेटली, 3 विनर्स, हम 3 प्राइजेस हमने चूज करके रखे हुए हैं, तो वो एज सुन एज हम नेक्स्ट सेशन में उनका नाम डिक्लेयर करेंगे और हम लोग उनको प्राइज देने वाले हैं। तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपका क्वेश्चन कीजिए, अदरवाइज आप मुझे पीएम कीजिए। थैंक यू। नाउ डेली रूटीन में एक रिपीट कर देती हूँ। डेली रूटीन में क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। तो क्लींजर आपका अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, जैसे मैंने स्किन टाइप समझाया आपको, उस तरीके से आपके स्किन के रिलेटेड अगर आप क्लींजर ले रहे हो, क्लींजर बिकॉज 2 ड्रॉप ही लेना होता है, और कुछ अच्छी ब्रांड में 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप या तो मोर देन 3 ड्रॉप इज इनफ। तो वो अच्छे से आपको मसाज करना है 1 मिनट तक, और फिर उसको आप पोंछने के बाद आपको टॉनिंग करना है। टोनर आप कॉटन पैड से भी यूज कर सकते हैं, आप स्प्रे बोतल से भी यूज कर सकते हैं, वो भी कैसे यूज करना है मैंने बताया था। बट अगेन आई रिपीट,
के टॉनर को आपको 1 फुट के डिस्टेंस पे आईज क्लोज करके पंपिंग करना है। 70% उड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो सारा पानी इधर जा रहा है उधर जा, नहीं, आपके फेस पे ऐसे दूर से पंपिंग करोगे ना तो फुल फेस पे आराम से आएगा। तो टॉनिंग क्यों जरूरी है, क्लींजर इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो डीप क्लीन करता है आपकी स्किन को। टॉनर इसीलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी आपके ओपन पोर्स हुए हैं उसको क्लोज करता है, ओके, और स्किन टाइटनिंग करता है, स्किन एजिंग का प्रोसेस रोकता है। और उसके बाद जरूरी है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर में आप डे क्रीम यूज कर सकते हो, SPF के साथ भी डे क्रीम्स आते हैं। तो मॉइस्चराइजर क्यों जरूरी है, बिकॉज मॉइस्चराइजर से आपका स्किन कवर होता है, लेयर बन जाता है, जो भी डस्ट है, डर्ट है, पॉल्यूशन है, डायरेक्टली आपके स्किन पे नहीं जाता है। और जब आप स्किन क्लीन करते हो तो ऊपर के लेयर से वो सब कुछ निकल जाता है। सो आई विश कि आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, जेन्यून क्वेश्चन है, आई अगेन रिपीट, जेन्यून क्वेश्चन है जिससे दूसरों का भी नॉलेज बढ़ सकता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे PM कर सकते हैं। थैंक यू। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, आप अगेन कोई टॉपिक सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, बता सकते हो, ताकि मैं अगेन आपके यहाँ लाइव आ सकूँ। और दूसरी बात कि जितना आपका सर्कल है, जो भी आपका सर्कल है, आप उनको कनेक्टेड कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों का टाइम बहुत ही अच्छा गुजरा मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।